नमस्कार, मैं मिलन पटेल, रजिस्टर फार्मासिस्ट, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। आज के वीडियो में मैं आपको प्लेटलेट्स बढ़ाने की आयुर्वेदिक दवाई प्लेटेंजा टेबलेट के बारे में बताने वाला हूँ, तो बिना देरी किए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्लेटेंजा टेबलेट एक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है जिसमें प्लेटलेट बूस्टिंग प्रॉपर्टीज होती है। जब भी हमें डेंगू, चिकनगुनिया, फिर ऐसा कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है जिसके अंतर्गत हमारे शरीर में प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाते हैं, तो फिर प्लेटलेट्स काउंट को वापस से नॉर्मल करने के लिए डॉक्टर हमें प्लेटेंजा टेबलेट प्रिस्क्राइब करके देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लेटेंजा टेबलेट के कंपोजिशंस के बारे में, मतलब कि प्लेटेंजा टेबलेट के अंदर एज अ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हर्ब होते हैं। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है केरिका पपैया लीफ एक्सट्रैक्ट। एक तरह से देखा जाए तो यह इंग्रेडिएंट प्लेटेंजा टेबलेट का महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है, जिसे हम मेन इंग्रेडिएंट भी कह सकते हैं। केरिका पपैया लीफ एक्सट्रैक्ट की वजह से हमारे शरीर में प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन स्टिम्युलेट होता है, जिससे प्लेटलेट्स काउंट वापस से नॉर्मल स्थिति में आ जाते हैं और हमारी इम्यूनिटी भी बरकरार रहती है। नंबर दो है टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया एक्सट्रैक्ट, यानी कि गिलोय एक्सट्रैक्ट। गिलोय को इम्यूनिटी बूस्टिंग हब भी कहा जाता है। आप सभी जानते हैं COVID-19 के दौरान अचानक से गिलोय की सेल्स बढ़ गई थी, क्योंकि सब लोगों को पता चल गया था कि गिलोय खाने से, गिलोय का सेवन करने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। प्लेटेंजा टेबलेट का जब हम सेवन करते हैं तो प्लेटेंजा टेबलेट में मौजूद गिलोय की वजह से हमारी नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म अच्छी रहती है, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहती है और वायरल फीवर कम हो जाता है। नंबर तीन है ओकिमम सेंटकम एक्सट्रैक्ट, यानी कि तुलसी एक्सट्रैक्ट। तुलसी में एंटीबैक्टीरियल गुणधर्म होता है, साथ ही साथ एंटीवायरल गुणधर्म भी होता है। जब भी हम प्लेटेंजा टेबलेट का सेवन करते हैं तो उसमें मौजूद तुलसी हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है, जिसकी वजह से संक्रमण और बुखार की जो स्थिति है वो कम हो जाती है। नंबर चार है क्लिप्टा अल्बा, यानी कि भृंगराज। प्लेटेंजा टेबलेट में मौजूद भृंगराज हमारे लीवर की हेल्थ को अच्छी रखने में हमारी मदद करता है, साथ ही साथ ब्लड प्यूरीफाई करता है, जिससे जो भी ब्लड सेल्स होते हैं वो रेगुलेट होते हैं और प्लेटलेट्स काउंट भी मेंटेन हो जाते हैं। अब बात करते हैं हाउ प्लेटेंजा टेबलेट वर्क, मतलब कि प्लेटेंजा टेबलेट किस प्रकार से काम करती है। सबसे पहले तो प्लेटेंजा टेबलेट हमारे बोन मैरो में जो प्लेटलेट्स प्रोडक्शन होता है उसे स्टिम्युलेट करती है, ताकि अगर हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की कमी है तो वो पूरी हो जाए। इसके अलावा हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है, जिसकी वजह से बुखार और संक्रमण कम हो जाए। इसके अलावा हमारे लीवर की हेल्थ अच्छी रखती है, हमारे ब्लड सेल्स को रेगुलेट करती है, ताकि प्लेटलेट्स भी मेंटेन हो। इसके अलावा प्लेटेंजा टेबलेट के सेवन से जो भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो रहा है, ऑक्सीडेटिव डैमेज हो रहा है हमारे शरीर में, जो फ्री रेडिकल्स है वो कम हो जाते हैं, ताकि वायरल इन्फेक्शन की वजह से जो कुछ भी इन्फ्लामेशन और सूजन की प्रोसेस हुई है वो कम हो जाए। अगर बात करें डोजेज की, तो प्लेटेंजा टेबलेट का टिपिकल डोज 1-2 टेबलेट ट्वाइस अ डे आफ्टर मील, मतलब कि 1-2 टेबलेट दिन में दो बार खाना खाने के बाद। इस प्रकार से डोज डिसाइड होता है, जो आपके हेल्थ के प्रोवाइडर डिसाइड करते हैं। उसमें आपको कुछ डिसीजन नहीं लेना है, जिस प्रकार से आपके डॉक्टर ने बोला है उस प्रकार से आपको प्लेटेंजा टेबलेट लेनी है। प्लेटेंजा टेबलेट का डोज सीवियरिटी ऑफ प्लेटलेट रिडक्शन, मतलब कि किस प्रकार से, कितनी तेजी से और कितनी मात्रा में प्लेटलेट्स कम हुई है, उसके ऊपर डिपेंड होता है, एडजस्ट होता है और मेंटेन भी होता है। अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो आप सब जानते हैं कि प्लेटेंजा टेबलेट आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है, तो उसकी साइड इफेक्ट बहुत ही कम होगी, ना के बराबर होगी। लेकिन कभी कभार कुछ केसेस में गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल कुछ सिम्टम्स, जैसे कि स्टमक डिस्कम्फर्ट, जी में चलना, उल्टी जैसा लगना इत्यादि सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर प्लेटेंजा टेबलेट में मौजूद जो मेन इंग्रेडिएंट है, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जो सपोर्टिव इंग्रेडिएंट है, या फिर एक्सिपिएंट्स है, या जो भी इंग्रेडिएंट प्लेटेंजा टेबलेट में मौजूद है उनमें से एक या फिर अधिक इंग्रेडिएंट से अगर आपको एलर्जी है, तो फिर प्लेटेंजा टेबलेट लेने के बाद आपको एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। तो ऐसे में आपको उस टेबलेट का उपयोग डिसकंटिन्यू करना है, जल्द से जल्द आपके डॉक्टर से बात करनी है और जो कुछ भी इलाज है वो करवाना जरूरी होता है। अगर बात करें प्रिकॉशंस की, यानी कि प्लेटेंजा टेबलेट लेने से पहले उसके दौरान आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, तो सबसे पहले तो अगर आप गर्भवती हो या फिर आप बच्चे को दूध पिलाते हो, ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो, तो ऐसे केसेस में प्लेटेंजा टेबलेट या फिर कोई भी प्रकार की दवाई लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर से बात करनी काफ़ी ज़रूरी हो जाती है। अगर आपके शरीर में पहले से ही कोई मेडिकल कंडीशन है, कोई रोग है, कोई डिसऑर्डर है, खास करके ऑटो इम्यून डिसीज है, तो फिर बिना डॉक्टर की सलाह कभी भी प्लेटेंजा टेबलेट का उपयोग नहीं करना है। जब भी आपकी ट्रीटमेंट चल रही होती है तो डॉक्टर ने आपका प्लेटेंजा टेबलेट का जो डोज डिसाइड किया है, 1 टेबलेट या फिर 2 टेबलेट ट्वाइस अ डे आफ्टर मील, तो उसे पकड़ कर चलना है, अपने आप से कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। जिस प्रकार से डॉक्टर आपको निर्देश देते हैं उसका पालन आपको अवश्य करना है, तो उस बात का भी आपको खास ध्यान रखना है। तो यदि जानकारी प्लेटलेट्स काउंट बढ़ाने की आयुर्वेदिक टेबलेट प्लेटेंजा टेबलेट के बारे में, अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है बेझिझक कमेंट में पूछिएगा। अगर कमेंट में अनकंफर्टेबल है तो फिर डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qna.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद।
जय हिंद जय भारत।